अच्छा हुआ वरना मेरे हाथ जरूर मारा जाता। जवाब ही नहीं देते, सिर्फ खाए जा रहे हो, कह रहे हो। मैं सुन रहा हूं और देख भी रहा हूं लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं भोजन कर रहा हूं। तुम में इतना शिष्टाचार भी नहीं है कि जब कोई भोजन कर रहा हो तो उसे चैन से खाना खाने देना चाहिए। वानर, भूख लगी है क्या? मुखे प्राणी को अधिक क्रोध आता है। यदि ऐसी बात है तो लो, तुम भी खा लो। मैं यहां भोजन करने नहीं, तुम्हें यहां से चले जाने का आदेश देने आया हूं। इस वाटिका की तुमने जो दशा की है उसके लिए मैं तुम्हें अवश्य दंड देता, परंतु तुम वृद्ध हो इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। जाओ, चले जाओ यहां से। मुझे आदेश देने वाले मनुष्य तुम कौन हो? मैं बलराम हूं। बलराम? बलराम? हां। कौन बलराम? इस त्रिलोक में केवल एक ही राम है, मेरे प्रभु श्री राम। ये बलराम कहां से आ गया? तुम केवल नाम के बलराम हो। देखो कितना ताव खा रहे हो। बलवान पुरुष न इतना ताव खाता है न इतना क्रोध करता है। ये सब तो बलहीन होने के चिन्ह हैं। बलहीन? यदि मैंने अपने बल का प्रयोग तुम पर किया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा वृद्ध वानर। अच्छा, मुझे क्रोध मत दिलाओ, मुझे क्रोध मत दिलाओ। यदि मैंने अपनी मुष्टि का एक ही प्रहार तुम पर किया तो सीधा धरती में धंसकर पाताल में पहुंच जाओगे। राम राम राम, लगता है आजकल ये रोग सभी को लग गया है, महामारी की भांति फैल गया है। जिसको देखो वो इसी रोग से पीड़ित है। तुम अपने आप को बलराम कह रहे हो परंतु मुझे तो तुम भी इसी रोग के रोगी लग रहे हो। रोगी? और मैं? किस रोग की बात कर रहे हो तुम? वही अहंकार का रोग। चींटी के पर निकल आते हैं तो वो समझती है कि पूरे वायुमंडल पर उसी का राज हो गया है। हे वृद्ध वानर, तुम मेरा उपहास कर रहे हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, उठाओ अपनी गदा। श्री राम।
ऐसा महाकाय वानर मेरे मुष्टि के एक ही प्रहार से सीधा परलोक सिधार गया था, और तुम मेरे हर प्रहार को रोक भी रहे हो और सह भी रहे हो। तुम कोई साधारण वानर नहीं हो सकते। बताओ कौन हो तुम और इस वाटिका में किस लिए आए हो? अवश्य ही यहां आने का तुम्हारा कोई विशेष उद्देश्य होगा, बताओ। हे बलराम, आप जैसा समझ रहे हैं मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं तो केवल अपने प्रभु का एक तुच्छ सा भक्त हूं और अपने स्वामी की आज्ञा से यहां आया हूं। भक्त और स्वामी की आज्ञा से यहां आए हो? हां। कौन है तुम्हारा स्वामी? देखो, तुम्हारी ये रहस्यमयी बातें मेरे लिए केवल शब्दों के चक्रव्यूह समान है। स्पष्ट रूप से अपना परिचय दो, मुझे क्रोध मत दिलाओ, वरना मैं अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग करूंगा। मैं अपना हल निकालूंगा और तुम नष्ट हो जाओगे। नहीं नहीं, लगता है तुम यूं नहीं मानोगे, मुझे अपना हल निकालना ही होगा।